हेयरलाइन जो होता है वो किसी भी चेहरे का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। अगर आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जैसी शिकायतें हैं तो आपने अपनी हेयरलाइन में भी चेंजेस ज़रूर देखे होंगे। अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं और आपने हेयर ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शन को कंसिडर किया है तो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आपको किस टाइप की हेयरलाइन आपके चेहरे पर सूट करेगी और उसके लिए आपको क्या अपने हेयर ट्रांसप्लांट से एक्सपेक्टेशंस रखनी है। और इसीलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि एक मेल पैटर्न में और एक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में किस टाइप का हेयरलाइन डिज़ाइन किया जाता है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर नंदिनी दादू फ्रॉम दादू मेडिकल सेंटर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेयर ट्रांसप्लांट के वक्त हेयरलाइन डिजाइनिंग में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जब हम प्लान करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आपकी एज क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका फेस स्ट्रक्चर कैसा है, आपके बाल जो हैं वो किस टाइप के हैं, फाइन हैं या कोर्स हैं, या जो हेयर ट्रांसप्लांट के वक्त हम एक्सट्रैक्ट करके बाल निकालते हैं यानी कि ग्राफ्ट, वो किस टाइप का हमें मिलता है। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट में जब हम हेयरलाइन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। हेयरलाइन डिज़ाइनिंग अगर ढंग से की जाए और आपके फेस स्ट्रक्चर, आपकी एज को देख के की जाए तो ही वो एक नेचुरल लुकिंग रिजल्ट दे पाती है जो आपको हमेशा पसंद आएगा। तो जब हम हेयरलाइन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि एक मेल की हेयरलाइन और एक फीमेल की हेयरलाइन में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि अगर आप मेल हेयरलाइन की बात करें तो आपको ये समझना होगा कि मेल में हमेशा बाल जो होते हैं थोड़े कोर्स होते हैं, थिक होते हैं और उनकी हेयरलाइन उनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस से थोड़ी जल्दी पीछे जाती हुई दिखती है, इसीलिए उनका कंसर्न हमेशा हेयरलाइन करेक्शन का ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए जब उनकी हेयरलाइन डिज़ाइन की जाती है थोड़ी सी हायर अप की जाती है, जिसमें कि उनको हम यहाँ पे एक एंगुलेटेड लुक देते हैं जिसे हम एम शेप लुक कहते हैं और इसी एंगुलेशन की वजह से उनका एक मैस्कुलिन फीचर बहुत अच्छा इन्हांस होकर बाहर आता है और उसको हम काफ़ी डेंस लुक भी देते हैं उनकी हेयरलाइन की, जिसकी वजह से उनको एक नेचुरल लुक ज़रूर मिलता है। जब हम फीमेल हेयरलाइन की बात करते हैं तो फीमेल हेयरलाइन जो होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है, थोड़ी लोअर डाउन होती है यानी कि थोड़ा सा नीचे बनाते हैं और उसमें हम यू शेप्ड हेयरलाइन रखते हैं। फीमेल्स में हेयर स्टाइल बनाने का पैटर्न भी थोड़ा अलग होता है, इसीलिए उनमें हेयर ट्रांसप्लांट की अप्रोच भी थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट रहती है। तो इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है कि अगर फीमेल की हेयरलाइन जैसे हमने प्लान की है वैसे बनाई जाए तो ही वो उनके फेमिनिन फीचर को और इन्हांस करेगी। तो इन सब इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हुए आपकी हेयरलाइन डिज़ाइनिंग के लिए आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं। और क्योंकि हमने ये भी कहा कि जिस टाइप का ग्राफ्ट हमें मिलता है वो भी उतना ही ज़रूरी होता है हेयरलाइन के लिए, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली सिंगल ग्राफ्ट जो हेयर फॉलिकल ग्राफ्ट होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं आपके हेयरलाइन बनाने के लिए, ताकि वो एक बहुत सॉफ्ट नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन आपको दे और इसीलिए वो एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाता है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।